मैं मंच से आमंत्रित करना चाहूंगी अपने अगले पैनल दे लिए मेरे सहयोगी जसमीत कौर नू। मैं रिक्वेस्ट कर दी कि जसमीत वो मेरे नाल इत्थे स्टेज ते पहुंचन। ते दूजे पैनल दे विच साडे पहले पैनलिस्ट होणगे मिस्टर सुखजीत सिंह चीमा, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर पुखराज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियां दे नाल इन्हां दा स्वागत करते हैं। दूजे पैनलिस्ट साडे इस पैनल दे विच होणगे अमिताभ रूंगटा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिटच वेलनेस। जोरदार तालियां दे नाल असीं स्वागत करते हैं मिस्टर अमिताभ रूंगटा, मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिटच वेलनेस। तीजे पैनलिस्ट इस पैनल दे विच होणगे मिस्टर विष्णु दत्त शर्मा, सीईओ एंड को फाउंडर दीप आयुर्वेदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियां दे नाल मैं चाहूंगी कि इन्हां दा भी स्वागत किया जाए। तो शुरुआत करते अपने दूजे पैनल की। मेरा सब तो पहला सवाल विष्णु दत्त शर्मा थोड़े तो होगा। सब तो पहला तो सर थोड़ा बहुत बहुत स्वागत एमर्जिंग पंजाब एमएसएमई कॉन्क्लेव दे विच। या थैंक यू वेरी मच एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स जी जिन्होंने इतना बढ़िया ये एमएसएमई का इवेंट ऑर्गेनाइज किया एंड प्लीज कंटिन्यू योर क्वेश्चन। बिल्कुल विष्णु जी, सब तो पहला सवाल, जदों भी आयुर्वेदा की गल आती है तो बहुत सारे लोगों के मन सवाल आ जाते हैं। सवालों के नाल नाल लोगों के मन एक कॉमन मिसकनसैप्शन आ जाती है कि आयुर्वेदा काम भी नहीं करता, अगर काम करता है तो बहुत स्लो काम करता है। की कुछ कहना चाहोगे इसके बारे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं इस क्वेश्चन का शुरुआत आपकी एक हमारी कंपनी का एक नारा है, बीमार होने के बाद ही आयुर्वेद क्यों, जबकि आप बीमार ना हों आयुर्वेद उसके लिए पहले है। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि हम आयुर्वेद को देखते कैसे हैं। आयुर्वेद हमारे किचन से शुरू होता है। हजारों साल पहले हमारे बुजुर्गों ने जो वो स्पाइसेस हमारे किचन में हैं वो लगा के गए। सो जो आपका क्वेश्चन है कि भाई आयुर्वेद जो मिसकंसेप्शन है या आयुर्वेद देर से काम करता है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद 100% काम करता है, बशर्ते कि जो आप हर्ब्स या जो मेडिसिंस या जो फॉर्मुलेशन आप लेते हो उसके लेबल पे जो इंग्रेडिएंट मेंशन है अगर वो उसके अंदर बराबर मात्रा में या एज़ पर द शास्त्र अगर हैं तो 100% काम करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक छोटी सी कंपनी 10x10 के कमरे से शुरू हुई 2007 में एंड एज ऑन डेट वी आर इन टू 15+ कंट्रीज एंड बहुत ही जल्दी IPO लॉन्च करने वाले हैं। सो इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें। मेरा सवाल भी विष्णु जी तुहाडे तो ही है, जिस तरह के पवित्र ने भी पूछा कि आयुर्वेदा बहुत स्लोली वर्क करता है, और एक चीज़ होर वेखी गई है बहुत लंबे समय तो जो सामने नहीं आ रही है कि जिस तरह दूसरिया दवाइयां ने एलोपैथी है जां कोई होर है इवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी टू कि आए दिन कोई ना कोई रिसर्च है जिहड़ा वह हुंदा रहिंदा है। PGI दे विचों बहुत सारिया रिसर्च होंदियां और उसनू लैके पेपर्स भी सामने आते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स दे विच भी रिपोर्ट्स छपदियां ने, बट आयुर्वेदा दे लई अजिहा नहीं है। कि आयुर्वेदा कुछ शो करना ही नहीं चाहता, लाइक अपना नुस्खा लुको के रखना चाहता, जां इसके पिछे कुछ होर रीज़न है? नहीं, आई थिंक मैं सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात से। आयुर्वेदा में अगर आप देखें, इट्स नॉट अ न्यू साइंस, इट्स मोर देन 5000 ईयर ओल्ड साइंस है। और हमारे जो ग्रंथ है, चाहे वो सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, अष्टांग हृदय है, उसके अंदर लिखे हुए एक एक श्लोक, एक एक फॉर्मुलेशन आज भी काम करती हैं। अब जैसे आपने कहा कि भाई एविडेंस बेस, सिर्फ चंद 10-20 फॉर्मुलेशन ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट करके आप किसी भी मेडिसिन को साबित नहीं कर सकते कि वो ह्यूमन के ऊपर अच्छी है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि कितनी ऐसी, आई एम नॉट कंपेयरिंग एलोपैथी या मॉडर्न साइंस विद आयुर्वेद, बट स्टिल आप जब ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट करके कुछ मेडिसिन को अप्रूव करते हो और मार्केट में जाती हैं, और कितने फॉर्मुलेशन आपने ऐसे देखे हैं कि वो कुछ सालों के बाद विड्रॉ होती हैं। मुझे आप एक भी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन का नाम बता दो कि जो इतने सालों से, हजारों सालों तो छोड़ दीजिए, अगले ये जो पिछले 40-50 साल हैं उसमें भी एक भी मेडिसिन विड्रॉ हुई हो। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने जो फॉर्मुलेशन मेंशन करी है वो 100% काम करती है। बट स्टिल आपने बहुत अच्छी बात करी, आज हिंदुस्तान में तो नो डाउट कि हम आयुर्वेदा की मेडिसिन हमारे किचन से शुरू हुआ है, लेकिन जब हम वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, जैसे हम लोग भी ऑस्ट्रेलिया में हमने लॉन्च किया, यूरोप में हमने लॉन्च किया, तो वहाँ पे जरूर हमारे सामने चैलेंज आते हैं कि भाई एविडेंस क्या है, एविडेंस बेस क्या है। इन दैट केस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आज पिछले 4-5 साल से उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ MOU साइन किए, एंड जो हमारा डिपार्टमेंट है CCIRM
वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। एंड इवन अभी हाल ही में हमने यूएई में 6 प्रोडक्ट एज अ मेडिसिन अप्रूव कराए, हमें 2 साल लगे उसको अप्रूवल मिलने में। उसके जितने भी साइंटिफिक वैलिडेशन हैं, प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलप होता है, सर्टिफिकेट ऑन लाइसेंस कैसे होता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे आज भी मैनिपुलेशन तो बहुत है। लेबल पे कुछ लिखा है, अंदर कुछ लिखा है, लेकिन जब आप वेस्टर्न कंट्री में या दूसरी कंट्री में जाते हो तो वो आपके प्रोडक्ट की एक एक चीज़ चेक करते हैं कि जो फॉर्मुलेशन आपने मेंशन की क्या इंटरनली वो है या नहीं है, और वो कैसे होगी, COA से, सर्टिफिकेट लाइसेंस से, आपके जो साइंटिफिक वैलिडेशंस हैं, आपके जो टेस्ट हैं, TLC मेथड्स हैं, उनसे पता लगेगी। सो नो डाउट कि एज अ आयुर्वेदा स्टेक होल्डर जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितने रिसोर्सेज हैं, हम लोग भी उस पर काम करते हैं, और काफ़ी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं पुखराज हर्बल से, ये भी, और इतनी कितनी कंपनी हैं जो अपने अपने लेवल पे काम में लगी हुई हैं, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी काफ़ी इनिशिएटिव इस पे ले रहे हैं। थैंक यू जी। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा अमिताभ रुंगटा जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्किन केयर इंडस्ट्री जो है बहुत इवॉल्व कर रही है, ना सिर्फ भारत में पर ग्लोबली बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा जो है मिसकंसेप्शंस या फिर लोगों में बहुत वो रहते हैं, चूज़ी रहते हैं कि हम क्या प्रोडक्ट चूज़ करें, किस प्रोडक्ट में क्या होगा, कितने बेनिफिट्स होंगे, तो इस कॉम्पिटिशन को आप कैसे देखते हैं? मैम, इस कॉम्पिटिशन को मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ कि मार्केट में टेस्टिंग प्रोसीजर सारे बने हुए हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट की तो टेस्टिंग होती है, लेकिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के अंदर इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी के ऊपर टेस्टिंग का गवर्नमेंट का कोई खास फोकस नहीं है। आज मैं भले फार्मा इंडस्ट्री लीड कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट इम्प्योरिटी के ऊपर एक पैरामीटर डिफाइन करे कि जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, प्योरिटी को तो हम टेस्ट करके बताते हैं कि इसकी इतनी प्योरिटी है, 100% है, 102 है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी कितनी है, इम्प्योरिटी को अभी टेस्ट करने का कोई प्रोसीजर फॉलोअप में नहीं लिया जा रहा है। अगर इसके ऊपर काम अगर होना चालू हो जावे तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और बॉडी एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगी। सर, जिस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स जब वो कंज्यूमर तक मार्केट में पहुंचते हैं, उससे पहले आपकी जो टेस्टिंग है प्रोडक्ट्स की, वो कितने फेजेस में की जाती है ताकि लोगों तक कोई गलत चीज़ या फिर उनके स्किन को एलर्जी करने वाला, क्योंकि अगर हम आपके मेडिटेक फाउंडेशन की बात करें तो जी। मैम, मेरा अभी पहले भी यही कहना था कि जो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है उसकी टेस्टिंग के सारे पैरामीटर फुलफिल होते हैं, API से चालू होती है, इनएक्टिव की भी होती है, एक्टिव की भी होती है, हर पार्ट पे होती है, सेमी फिनिश की भी होती है, फिनिश की भी होती है, लेकिन जो बात मैंने भी आपसे कही, शायद आपने उसको काउंट नहीं किया कि हर एक्टिव इंग्रेडिएंट के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है। जैसे ये बॉटल पानी की रखी हुई है, इस बॉटल में प्योरिटी बहुत सारी आपने नापी है, लेकिन किसी ने इसके ऊपर इम्प्योरिटी को टेस्ट करके उसको डिफाइन किया है, तो इम्प्योरिटी का टेस्ट अगर होना चालू हो जावे तो चीज में क्या कमी रह गई है जो कि बनाते समय नहीं पता चलती है, ऑन स्टोरेज उसका एक्शन रिएक्शन बाद में पता चलता है, जिसमें सामान्य तौर पे ये आता है कि व्यापारी बोलिए या इंडस्ट्रिस्ट बोलिए, उसने गलत चीज़ प्रोड्यूस की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जहाँ से भी API, एक API बोले तो एक्टिव इंग्रेडिएंट, जहाँ से भी हम सोर्स कर रहे हैं, उस निर्माता को या फिर ट्रेडर को इस बात को एश्योर करके मार्केट में देना है कि उसके अंदर इम्प्योरिटी का लेवल 0 है। मेरा सवाल सर तो यह है कि तुसी अपने प्रोडक्ट्स की सेंसिटिविटी ते सेफ्टी किस तरह के नाल मेजर करते हो? क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिहड़े ने, जिदा तुसी हेल्थ एंड ब्यूटी दे, वेलनेस एंड ब्यूटी दे विच काम कर रहे हो, एंड लोगों के वख-वख स्किन टाइप्स होंदे ने, वख-वख चीज़ा होंदे ने, कई एलर्जेंस तो उन्होंने प्रॉब्लम भी होंदी है, तो लोगों की मैम का उही सवाल सी जसमीत जी का कि तुसी जदों उन्होंने लोगों तक पहुँचाते हो तो उसकी सेफ्टी एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट तुसी किस तरीके दे नाल करते हो? जी, सब तो पहला तो जो आयुर्वेद पद्धति हैगी है,
बहुत ही सेफ है। ये किसी नू एलर्जी या इनफेक्शन किसी नू किसी भी चीज़ तो हो सकती होंगी है, ये कोई दो राय नहीं हैगी। लेकिन प्रोडक्ट जिस तरह सर ने गल की कि वो इम्प्योरिटी और प्योरिटी जो साढ़े को इनग्रीडियंट्स आते हैं सब तो पहला उदा जड़ा लैब चैकअप हुंदा उदी सारे पैरामीटर्स चैक हुंदे है फिर वो प्रोडक्ट डिवेलपमेंट दे विच आंदा। ता उस तो बाद उदे जड़े उदी माइक्रो ग्रोथ जो हुंदी है वो किन्ने टाइम च हुंदी है, वो सारे जो पैरामीटर जो आपां देखते हैं कि एक्सपायरी कदों है किन्ने समय निर्धारित तो सारे लैब के थ्रू हुंदी है। और जब तक असी उदे विच हार्श कैमिकल कोई यूज़ नहीं करते तद तक थोनों आयुर्वेद दे विच ना दे मात्र कोई हो सकता है किसी इनफेक्शन या किसी स्किन तो एलर्जी होवे, अदरवाइज ऑल प्रोडक्ट सेफ होंगे। लेकिन आयुर्वेद इस समय दे विच ग्रो कर रहा है और पूरे वर्ल्ड दे विच पॉपुलर हो रहा है। लेकिन अच्छी गल ये है कि इहदा जिहड़ा सब तो ज़्यादा सोर्सेज हैगे आ वो साढ़े इंडिया कोल आ, इंडिया नूं हर्बल गार्डन कहा जाता। बट हुण जो लोग आयुर्वेद नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं उन्हां दी ड्यूटी है कि इहनूं सही तरीके नाल लोकां तक पहुँचाउण सही मात्रा च। और जिस तरह सर ने गल की कि इनग्रीडियंट लिखे की है, मेरा अपना परसनल एक्सपीरियंस है 2016 दी गल है, मैं दिल्ली इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ते गया तो उत्थे प्रोडक्ट सी उहदे उत्ते लिखा सी एलोवेरा क्रीम और मैं उहनूं जदों चक के पढ़िया तो मैं वो इनग्रीडियंट देखे वो इनग्रीडियंट एलोवेरा कित भी नहीं। तो मैं उन्होंने पूछा कि एलोवेरा तुम्हें यदा लिखा होया पर एलोवेरा तो है ही नहीं कित, वो कहते जी असं कदों कह रहे एलोवेरा असी तो यद नाम रखे हो नहीं पता होंगी। आम लोग इस चीज़ को किमें देखन कि यह चीज़ वाकई इस प्रोडक्ट के है या फिर नहीं है, क्योंकि आम लोग ने जोड़े उन्होंने समझ नहीं होंगी इन्होंने चीज़ों की जो तक आप उस फील्ड के अंदर तक नहीं जाते। आम तो असी इनग्रीडियंट लेबल तो ही देख सकते हैं जी, कोई होर तो वह कोई पैरामीटर है नहीं कि कस्टमर उन्होंने चैक कर ले कि है कि नहीं है। उस तो बाद रिजल्ट जेकर कोई कह रहा है कि मैं सपोज बेसिक इनग्रीडियंट आमला है ये आमला पाया जो आमले के बेनीफिट है जो लैन तो बाद इतों नहीं मिल रहे इट मीनस उस आमला नहीं है, तो वो तो रिजल्ट ने ही बोलना है कि थोड़े इनग्रीडियंट एक्टिव है कि नहीं है। असी जेकर सिर्फ एक नाम की मार्केटिंग आयुर्वेदा लोग अपना रहे हैं तो असं इस करके सैल कर रहे हैं तो असी अपना ही भविख खराब कर रहे हैं। तो साडा ही दाते हुए मनता इस समय कि जे इन दुनिया एक्सैप्ट कर रही है तो असं इनू सही तरीके लैके जाइए, साढ़े वास्ते बहुत वड्डी अपरचुनिटी है। तो असी इस चीज़ तो कदे भी कोताही नहीं करते कि जो एक सानू विरासत मिली है एड्डी वड्डी विरासत मिली है जिदे च असी कोई बहुत वड्डी खोजा नहीं करनियां, खोजा ऑलरेडी करके रखी हुई हैं, असी तुहानू सही तरीके नाल लोकां तक पहुँचाना है यही साडा फर्ज है जी। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा विष्णु जी आपसे रहेगा, मॉडर्न मेडिसिन को कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं आप आयुर्वेदा के लिए? हालांकि लोग बहुत ज़्यादा आज के समय में इंक्लाइन हो रहे हैं, लोगों का जो विश्वास है कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में भी बढ़ता जाता है। लोग ऐसे भी करते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन तो चल रही है साथ साथ में आयुर्वेदा भी शुरू कर देते हैं कि हाँ शायद इसका फ़ायदा नहीं होगा तो इसका फ़ायदा होगा, बट कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आयुर्वेदा, क्योंकि कितने समय से कितने सालों से चलता आ रहा है, तो आपको लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है आयुर्वेदा के लिए? नहीं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अगेन आपने किया, इसको हम चैलेंज नहीं ले सकते। देखिए हर एक पैथी चाहे वो एलोपैथ हो आयुर्वेद हो होम्योपैथ हो सबके अपने एडवांटेजेस भी हैं और सबके अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैं अगर यहाँ कहूँ कि एलोपैथ एमरजेंसी के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, बहुत बेहतरीन मेडिसिन सिस्टम है, आप अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ ट्रोमा हुआ तो कहाँ जाएंगे, आयुर्वेदा में उसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। बट स्टिल जैसे मैंने कहा कि बीमार होने के बाद ही आयुर्वेद क्यों, आयुर्वेद तो आप तब अपनाओ कि बीमार होने की जरूरत ही ना पड़े। बट इंसान है, इंसान कोई ना कोई गलती तो करेगा ही, अब गलती करेगा उसके लिए फिर हमारे पास क्लासिकल मेडिसिन हैं, आयुर्वेदा में डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन हैं जिससे हम ठीक होते हैं। बट सबसे पहले जो आप क्वेश्चन था आपका कि भाई चैलेंज, इट्स नॉट अ चैलेंज, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इवन स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना चाहिए कि आपस में सभी पैथी मिलके काम करें। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं चाहे वो फोर्टिस हो या जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं सभी के अंदर आयुर्वेदा की ब्रांच, होम्योपैथ की ब्रांच, योगा की ब्रांच होनी चाहिए,
जहाँ लगे कि भाई आयुर्वेद से ठीक होना उसको आयुर्वेद से ठीक करो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक करो, जहाँ लगे कि इमरजेंसीज है वहाँ पे एलोपैथ से काम करो, जहाँ पे लगता है कि सर्जरी चाहिए वहाँ पे एलोपैथ का काम है। सो इसको हम चैलेंज नहीं मान सकते, ये कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है और कहीं ना कहीं हमारी जो अलग पैथीज हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ आना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। इवन अभी हाल ही में मैंने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनिशिएटिव्स लिए कि जितने भी गवर्नमेंट या जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं एलोपैथ के वो आयुर्वेदा के साथ इंटीग्रेट करके और इसके ऊपर काम करें। सो इट्स नॉट अ चैलेंज बेसिकली। पर इतने एक सवाल सर ये है, तुम क्या कि होर दवाई खाने की नौबत ना आवे इसलिए आयुर्वेदा शुरू कर लो, पर जदों तक कोई बीमारी नहीं है कोई दवाई क्यों खाएगा? आप सही कह रहे हो अपनी जगह पे। आज सबसे बड़ा चैलेंज है हेल्थ, तो मैं कोई भी मेडिसिन क्यों खाऊंगी? नहीं, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने के लिए बोल ही नहीं रहा आपको। देखिए आयुर्वेदा तो एक लाइफस्टाइल है, मैंने शुरू में ही कहा कि आयुर्वेद हमारे किचन से शुरू होता है। हिंदुस्तान को छोड़ के अभी कोविड की वेव्स में आपने देखा हमारी पॉपुलेशन इंडिया की सेकेंड नंबर पर है वर्ल्ड में, और कैजुअलिटी के नाम पर बहुत ही कम कैजुअलिटी यहाँ पर हुई। रीज़न, जबकि आप अमेरिका ले लीजिए, इटली ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, वहाँ पे कैजुअलिटी कितनी थी और पॉपुलेशन कितनी कम थी। रीज़न, क्योंकि हमारे किचनों में वो स्पाइसेस हम शुरू से मॉर्निंग से लेके रात तक खाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। सो मेरा यहाँ कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मेडिसिन मत खाओ, आप जो खाना भी खाते हो ना उसके अंदर जो हल्दी मिर्च मसाले स्पाइसेस, दिस इज द आयुर्वेद। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी सभ्यता, अपनी जो ट्रेडिशंस हैं उसको भूलते जा रहे हैं। आप उसको अगर अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में अपना लोगे तो कहीं ना कहीं ये जो बीमारियां हैं उससे बचा जा सकता है। बट इंसान है, गलती करेंगे तो फिर उसका इलाज भी है। आपने अभी बात की थी कि हम बहुत सारे मेडिसिन जो हैं, आयुर्वेदा की बात हो रही थी, अभी सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और पैरासिटामोल ऐसी मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग इनको कंज्यूम भी करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो इस समय जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मन से जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या घरेलू एक नुस्खा जो है वो देना चाहोगे ताकि वो दवाइयों से दूरी बना के रख सके और आयुर्वेदा को अपना सके? नहीं, मैं तो शुरू में भी मैंने कहा कि आप देखिए आयुर्वेद को एक बार बार मेडिसिन की तरह मत देखिए। आयुर्वेद तो हमारे लाइफस्टाइल में है, बट ऑफ कोर्स अगर कोई गलती या कोई विकार अगर शरीर में आता है तो उसके लिए क्लासिकल मेडिसिन है। और जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, सर्दी अभी शुरू होने वाली है, तो एलर्जी, कफ, कोल्ड आम बात है। तो इसके लिए जो आयुर्वेदा के कितने ऐसे रसायन हैं जिनका हम सेवन कर सकते हैं। इवन दो साल पहले जब ये कोविड 3-4 साल पहले आया तो दीप आयुर्वेदा ने एक स्पेसिफिक रसायन की रेंज लॉन्च की थी जिसे हम कहते हैं आयुर्वेदिक सुपर फूड। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि आयुर्वेदा में सिर्फ एक च्यवनप्राश एक ऐसा ट्रेडिशनल सुपर फूड है जो सबको लेना चाहिए, लेकिन ये भी एक मिथ है। आयुर्वेदा के एक ग्रंथ है अष्टांग हृदम, अष्टांग हृदम में 6 ऐसे रसायनों का वर्णन है जिसमें एज और जेंडर के हिसाब से रसायन यानी कि च्यवनप्राश का वर्णन है। यानी कि अगर मेल के लिए अलग से रसायन, फीमेल के लिए अलग च्यवनप्राश, बच्चों के लिए अलग च्यवनप्राश और बुजुर्गों के लिए अलग च्यवनप्राश। तो ये रसायन जो हैं, ट्रेडिशनल सुपर फूड्स हैं, ये हम सबको इवन बच्चों से लेके बुजुर्गों तक लेना चाहिए, और अगर ये ले लेंगे तो बीमार होने की नौबत ही नहीं आएगी। सुखजीत जी, तुहाडे बहुत सारे जिहड़े प्रोडक्ट्स ने होर कंपनियां नूं भी तुसीं भेजदे हो, तो वो किस तरह दे नाल कंपनीज़ यूज़ करदियां ने उन्हां प्रोडक्ट्स नूं? जी, मैं थोड़ा जिहा पहला बैकग्राउंड चलना चाहूँगा। पुखराज दी जिहड़ी शुरुआत है वो बहुत छोटे लैवल तो हुई है, मतलब मैं कहा कि 1,000 रुपए ना कदे बिजनेस स्टार्ट किया, तो असी अपना ब्रांड बिल्ड किया, असी थर्ड पार्टी मैनुफैक्चरिंग करवाते सी। तो जिदा जिदा असी अगे वधदे आ तो असी चीज़ां नू देखदे कि मैनू चैलेंज की हैगे और मैं लोगों नाल प्रोमिस की कर रहा, उन्हूं मैं होर किन्ना वधिया तरीके ना लैके जा सकदा। तो असी अपनी मैनुफैक्चरिंग स्टार्ट की, मैं इस टाइम 8 बड़ी कंपनियां नू प्रोडक्ट्स बना के दे रहे वाइट लेबल, जिदे च कुछ मुंबई दी कंपनीज़ भी है, गुड़गांव दी कंपनीज़ भी है, लेकिन एक भी किसी नूं असी अज तक संपर्क नहीं किया कि असी थर्ड पार्टी मैनुफैक्चरिंग करते हैं। उहदा कारण यह सी कि साढ़े प्रोडक्ट्स लैके ही लोगों ने यूज़ करके उहदे रिजल्ट्स देख के ही साढ़े तक अप्रोच की है। तो इस तरह के कुछ यूनीक प्रोडक्ट्स असी बनाए हैं जिहड़े शायद ही किसी होर कंपनी ने डिवेलप किए हों। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स है, एक फॉरेस्ट असेंशियल बहुत वड्डा नाम आयुर्वेद दे विच, लेकिन उन्हां दी फंडिंग किसी कंपनी नूं सी, उन्हां लई असी 100% नैचुरल कुछ फीमेल्स लई प्रोडक्ट डिवेलप करके दिते।
क्योंकि साढ़े को आर एंड डी बहुत स्ट्रोंोंोंग है तो वो इस करके ही जड़ा हौली हौली पुखराज का नाम जो लोगों तक पहुँच रहा तो उन्होंने भी अगर सफलता मिल रही जिन्होंने असं प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं तो क्योंकि थोड़ा लंबा विषय है कि जो आप अगे गल करा तो थोड़ा टाइम अपने को कंसट्रेंट है कि सानू की उम्मीदा है गवर्नमेंट तो भी किस तरह की सानू हैल्प चाहिए है जिदे असं होर फलरिश कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री जी बिल्कुल थोड़ा तिना का ही बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके दे नाल अमिताभ रुंगटा जी ने भी एक बहुत वड्डा सवाल इत्थे कीता है सवाल तो नहीं सजेशन सीगा उन्हां दा कि जो लेबलिंग है जिस तरीके दे नाल काम हुंदा है कि किस तरीके दे नाल उस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नूं लैके जो इनग्रीडियंट्स तुसीं सजेशन दिता है उम्मीद करते हो कि सजेशन जिहड़ा तुहाडे तक जरूर पहुँचेगा बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा तिना का साडे नाल इस पैनल दे विच जुड़न दे लई बहुत बहुत शुक्रिया उधर इस कॉन्क्लेव च पहुंचिया उगविया शख्सियतों वालों जी पंजाब हरियाणा हिमाचल वालों कराए गए इमरजिंग पंजाब एमएसएमई कॉन्क्लेव की शलाघा की गई और सनअतकारा वालों कहा गया कि एहो जिहे उपराले कराने चाहिए ने क्योंकि एहो जिहे उपरालिया दे नाल सनअतकारा नूं बल मिलता है एंड लगातार एहो जिहे उपराले होंदे रहने चाहिए हैं। आज का जो प्रोग्राम था एमएसएमई का ये प्रोग्राम समय समय पर होने चाहिए जागरूक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के माध्यम से समाज के जो व्यापारी हैं जो व्यापार में नए आने की योजना बना रहे हैं या सरकार के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन सभी में एक आपस में समझबूझ पैदा होगी और उस समझबूझ के माध्यम से जो अटकलें हैं वो आसान होंगी क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंस का आस्पेक्ट जब तक नहीं आएगा तब तक व्यापार तेज़ी से बढ़ नहीं पाएगा। एमएसएमई जो है इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री असी साड़ी सरकार ने गुजारिश है कि इहदे च होर रिबेट्स दित्तियां जान ताकि जो एमआईईज़ेड वर्गे जिहड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट इत्थे आए ने जिहड़े कि एक्चुअल इंडस्ट्रियल एस्टेट है या कोई इदां दे अपने वालों उपराले करन जिहड़े कि सारे मोहाली वास्ते और सारे पंजाब वास्ते साड़ी स्टेट वास्ते बेनीफिशियल